वेलकम टू सावल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, वो है इकोकार्डियोग्राफी। लोग ये पूछते हैं, सर ये क्या चीज़ है, ईसीजी तो नहीं है? नहीं, ईसीजी अलग चीज़ है, इकोकार्डियोग्राफी अलग है। इकोकार्डियोग्राफी आजकल हर हार्ट के पेशेंट को एक बार ना एक बार करना होता है। और इको है क्या चीज़? इको आपने नाम सुना, इको मतलब आप पहाड़ी में खड़े होइए और चिल्लाइए और वो बाहर जाके वापस आएगी, इसको बोलते हैं इको। आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, पेट में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर साथ में बैठते हैं, पेट में एक क्रीम लगा के उसके ऊपर एक प्रोब लेके, एक छोटा सा मशीन होता है, उसको लेके ऐसे ऐसे करते हैं और आपका पेट के अंदर का सारा सामान टीवी में दिखने लग जाता है, मॉनिटर में दिखने लगता है। यही अल्ट्रासाउंड अगर मैं हार्ट का करता हूँ तो इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। कार्डियो मतलब हार्ट और इको हो गया अल्ट्रासाउंड वाला टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या दिखता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ। जब हम लोग इको करवाते हैं तो पेशेंट को लेटा देते हैं और यहाँ पे एक क्रीम लगाते हैं और एक प्रोब लेके हार्ट के चारों तरफ ऐसे ऐसे किया जाता है और उस वक्त टीवी के जो मॉनिटर होता है उसमें हार्ट का पिक्चर चलता रहता है। और इसमें दिखता है क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसमें जो चीज़ देखा जा सकता है, एक तो एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट में चैम्बर्स कैसे हैं, कौन सा चैम्बर क्या काम कर रहा है, उसमें कोई वाल्व में खराबी तो नहीं है, साइज क्या है चैम्बर का, ये सब पता चलता है। पर ये नॉर्मल आदमी का कोई दिक्कत नहीं होता है। एक चीज और पता चलता है, उसको बोलते हैं पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिसको हार्ट अटैक हो चुका है। याद रखिएगा, इकोकार्डियोग्राफी में जो इजेक्शन फ्रैक्शन पाया जाता है, उसका मेन इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका देखा जाता है वह है चैम्बर नंबर 4, जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर को बोलते हैं LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट आपने नाम सुना है, कैसेट प्लेयर में इजेक्ट लिखा होता है, बाहर फेंक देता है। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना। हार्ट बड़ा होता है फिर छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा। बड़ा है तो मान लेते हैं इसमें 100 ब्लड है, छोटा होने के बाद इसमें 40 रह गई, तो कितने बाहर फेंका, 100 था 40 हो गई, तो 60 को बाहर फेंका। तो इसका मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 60%, 60% ब्लड को फेंकता हार्ट। एक नॉर्मल आदमी का इको करवाइए, 60% पंपिंग पावर मिलेगा। अब हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है और हार्ट अटैक हो गई तो इजेक्शन फ्रैक्शन में गड़बड़ा जाएगा। हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट का एक पोर्शन डेड हो गया। जब 100% ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज बढ़ते जाती है और एक दिन ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है और वहाँ पे एक क्लॉट आ जाती है 100% ब्लॉक। मान लेते हैं 100% ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का ये पोर्शन गया, अब हार्ट की पावर कम हो गई तो इजेक्शन फ्रैक्शन 60 के जगह 50 हो गई, 40 हो गई। जितना बड़ा एरिया डेड होगा उतना पंपिंग कम होता जाएगा। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60 से 65%। एक आदमी को हार्ट अटैक हो जाए माइनर वाला, तो छोटा सा एरिया गया तो 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और बड़ा एरिया गया तो 40-30% पंपिंग हो जाएगी। और मिनिमम जीने के लिए हम लोग को 15-20 चाहिए। तो इकोकार्डियोग्राफी करने के बाद हम लोग को पता चलता है उस मरीज को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना पोर्शन उसका डैमेज हुआ है। तो इको आप करवाएंगे। एक आदमी ये भी पूछता है, सर इको से ब्लॉकेज तो पता चलता है क्या? मैं बोला एकदम नहीं पता चलता है। ब्लॉकेज जो है वो पता चलता है एंजियोग्राफी से, और दो तरह की एंजियोग्राफी होती है, एक सीटी एंजियोग्राफी जिसमें तार नहीं घुसाई जाती है, और एक एंजियोग्राफी जहाँ पे तार घुसाई जाती है, एडमिट किया जाता है। तो वो तो मैं एकदम फेवर में नहीं हूँ। अगर कोई का ब्लॉकेज चेक करना है तो उसको सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए। पर अगर आपको इको नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है ब्लॉकेज नहीं है। इको सिर्फ हार्ट की पंपिंग पावर को बताएगा, ब्लॉकेज नहीं बताएगा। तो एक आदमी को 90-90-90 ब्लॉकेज है, इको नॉर्मल मिलेगा। तो इको नॉर्मल हो जाए तो ये नहीं समझिएगा ब्लॉकेज नहीं मिला। इको नॉर्मल का मतलब है हार्ट अटैक नहीं हुआ, हार्ट का कोई पोर्शन डेड नहीं हुआ। इसका मतलब हार्ट पूरा का पूरा पंप कर रहा है, पर हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, वो ब्लॉकेज से पता चलता है, उससे TMT से पता चलेगा, सीटी एंजियोग्राफी से पता चलेगा। तो इको से आपको कभी ब्लॉकेज पता नहीं चलता, इस बात को याद रखिएगा। एक और इको काम करता है, दो बीमारी होते हैं, कार्डियोमायोपैथी होता है और एक होता है हार्ट अटैक। तो इको ये भी बता देता है कार्डियोमायोपैथी की तरफ जा रहा है या हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। सोचिए एक बार, कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के सारे मसल्स कमजोर पड़ने लगता है, पंपिंग गिर जाती है, पर पूरे मसल्स को बोलते हैं ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया। और हार्ट अटैक के वक्त पूरा नहीं जाता, एक पोर्शन जाता है, अगर सामने वाले दीवार की ट्यूब गई तो बाकी चलेगा, तो लिख देगा एंटीरियर वॉल हाइपोकाइनेसिया। अगर पीछे वाली गई तो बोलेगा पोस्टीरियर वॉल हाइपोकाइनेसिया। तो इको देखते ही हम समझ जाएंगे हार्ट अटैक का केस है या कार्डियोमायोपैथी का केस है।
तो इको की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इको करने में 2,000-2,500 रुपए तक हाईएस्ट लग सकता है और नॉन इन्वेजिव है, कोई एडमिशन का जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है, पर अच्छे डॉक्टर से जरूर करवाइएगा, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर इको की रिपोर्ट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर नहीं हो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर ना हो तो इको वो लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। तो इको करते वक्त याद रखिएगा, डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है वैसा डॉक्टर अगर इको करे तो आपकी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मिस्टेक होता है, हार्ट चलता हुआ रहता है, डॉक्टर को पंच करना होता है हाईएस्ट में और थोड़ा लेट हो गया, हार्ट छोटी हो गई तो इको का रिपोर्ट सारी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इको में कभी कभी एक दूसरे से चेंज आ जाता है, एक ही दिन में 2 इको कराए, दोनों में फर्क है, ये डॉक्टर्स की फर्क है, तो ऐसा हो सकता है, पर याद रखिएगा 2-4-5-10% का ही फर्क पड़ सकता है, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो एनीवे, इको जब भी करवाएं इस लेक्चर को समझ लीजिएगा, इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।